चलिए बात करेंगे बसपा विधायक हत्याकांड मामले की। खबर उत्तर प्रदेश से है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। बसपा विधायक राजू पाल के हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कहा जाता है कि फरार आरोपियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जानकारी इस वक्त की ताजा आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आरोपियों के घर को मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो रही है, यानी संपत्ति को कुर्क के साथ साथ बुलडोजर भी चलाया जाएगा। बसपा विधायक राजू पाल के हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल जानकारी इस वक्त की ताजा है और ये कहा जा रहा है कि अब फरार आरोपियों पर भी योगी सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने वाला वो विधानसभा के अंदर बोला गया क्लिप वायरल हो रहा है, और उसी के लिए ये कहा जा रहा है कि अब जितने भी आरोपी हैं उसे मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी, लेकिन उससे पहले उनकी संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में तमाम मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसे अपराध होते हैं तो अपराधियों की गाड़ी पलट सकती है और उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई होगी, यानी बुलडोजर चलेगा। ये तमाम मंत्रियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, और उन मंत्रियों को हम आपको पिछले दिनों सुनवा भी रहे थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी विधानसभा के अंदर ये कहा गया कि अगर जो कोई भी ऐसा अपराधी होगा और जो माफिया होंगे उसे हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। खैर, ये तो आगे आने वाला समय बता पाएगा कि अपराधियों में खौफ पैदा हो गया या नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की बेहतर हो पाएगी, ये वक्त बता पाएगा। और JK 24/7 न्यूज आपको ताजा जानकारी पहुंचाता रहेगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।